तो आप लोग देख सकते हैं ये जो घर आप लोग को दिखाया जा रहा है, ये घर है अजय देवगन जी का और शिव शक्ति घर। आपको बताते चलो, यहाँ पे देखेंगे आप लोग को थोड़ा आवाज़ भी सुनाई दे रहा, कंस्ट्रक्शन का घर काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रहा है। लेकिन जो घर इनका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, और ये शंकर भगवान के परम भक्त थे, इसलिए इस घर का नाम अशिव शक्ति नाम से इन्होंने रखा था। दोस्तों चलिए बैक कैमरे से मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो घर अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और यहीं पे अजय देवगन जी की जो घर है शिव शक्ति है, इसके जस्ट बगल में उन्होंने एक बंगला खरीदा है ESTN के नाम से, और वो बंगला है 60 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़ का। आपको बताते चलो चले उनकर इनकी बायोग्राफी की बात करें तो अजय देवगन हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। बहुत लोग ये चीज़ें नहीं पता होगी कि वो जानते होंगे कि ये केवल हीरो ही हैं, लेकिन नहीं, वो अभिनेता, निर्देशक और निर्माता, मतलब तीनों चीज़ में काम करते हैं। और इनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके परिवार बॉलीवुड से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म के निर्देशक हैं, तो वहीं उनकी माँ वीड़ा फिल्म निर्माता है। उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई इनकी सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से हुई, और इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है। इनकी शादी की बात करें, अजय देवगन की शादी मशहूर अभिनेत्री काजल से हुई है, जिनके 2 बच्चे हैं, बेटी नायसा और बेटा युग। अजय देवगन और काजल की जोड़ी पहली बार 1995 में आई फिल्म हलचल में नजर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि दोनों में प्यार इसी से फिल्म में पनपा था। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको बिल्डिंग है, और यहाँ पर देखेंगे हरियाली जो है ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है आपको, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, भैया हैं कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला, जिसकी वजह से ये बगल वाला जो घर मैंने आपको पहले बताया था ESTN है, वहीं पर शिफ्ट हुए हैं। और ये जो एरिया काफ़ी शांत माहौल में, बिल्कुल एकदम बहुत सुकून आ रहा था, लेकिन हाँ प्रशासन थोड़ा सा टाइट था। यहाँ पे देखेंगे ये इनका पुराना बिल्डिंग, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुंबई के जो भी इलाके में है। अगर इस करियर की बात करें, अजय देवगन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म आई फूल और कांटों से की थी। यह फिल्म उस समय की सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में मोटरसाइकिल पर पैर रखकर उनके द्वारा किए गए स्टंट आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। इस फिल्म में किए गए उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उनकी अगली फिल्म जिगर जो 1992 में आई थी, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट फिल्म थी, इस फिल्म में उनकी अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। यही दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई यानी 7 करोड़ का करने वाली बन गई थी। इस तरीके से इंडस्ट्री के कई लोग माने थे इनका, देख सकते हैं ये अजय देवगन का शिव शक्ति घर है। ये बहुत बड़ा राज है कि इस घर का शिव शक्ति नाम क्यों पड़ा था, आपको बताते चलो। शिव शक्ति नाम इसलिए पड़ा इस घर का क्योंकि जो अजय देवगन जी हैं शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनकी पूजा पाठ करते हैं, जिससे उन्हीं के नाम पे ये शिव शक्ति उनका घर का नाम रख दिए हैं। ये पुरस्कार की बात करें तो फिल्मों में किए गए उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अब तक कुल 32 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर अवार्ड, 1 जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और स्टार्ड अवार्ड शामिल हैं। अभिनय पुरस्कारों के अलावा देवगन की बॉलीवुड की अचीवमेंट के लिए राजीव गांधी अवार्ड, ATC बॉलीवुड जीनियस अवार्ड्स में 2010 के सबसे लाभदायक सेलिब्रिटी, जसरथ अवार्ड, MTV एक्टर ऑफ द ईयर, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर या कमेंट जरूर कीजिएगा। और आजकल मैं ऐतिहासिक प्लेस ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, तो अगर उस चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो चैनल पाकर देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको रामायण से वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो अपने पुराने धरोहर को दर्शाता और इतिहास के अलग अलग पन्ने को मैं खंगालने की कोशिश